जनपद संभल के चंदौसी में अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय की जयंती पर कार्यक्रम हुआ आयोजित। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद संभल के चंदौसी का है, जहां पर आज अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय की जयंती के अवसर पर सभी पार्टियों के नेता व समाज सेवी मौजूद रहे, जिसमें प्रदेश सरकार की माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाबो देवी, चंदौसी नगर पालिका परिषद की अध्यक्षा इंदु रानी और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश प्रेमी सहित काफी गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। आज मालवीय जी की जयंती मनाई गई है, आप इसमें शामिल हुए, क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि आज इनकी जयंती मनाई गई है, हमारे परम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की, परम आदरणीय महामना मालवीय जी की। उन्होंने देश के लिए एकता और अखंडता का पाठ पढ़ाया और हमेशा ही इस प्रकार की स्थिति उन्होंने पैदा की जिससे कि सब लोग एक होकर रहें, मिल के रहें और शांति का संदेश दें। आज मदन मालवीय जी का जन्मदिन क्या कहेगा? आज पूरा देश महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती मना रहा है। मुझे इस वक्त यही कहना है कि देश प्यार मोहब्बत से चलता है। महामना जी बहुत मन के व्यक्ति थे, महान मन था उनका, वो कभी कट्टरपंथी नहीं रहे, उन्होंने हमेशा मध्यम मार्ग चुना और यही कारण है कि आज महामना ने जो काम किए थे वो देश के लिए सार्थक था। इस बात में है कि पूरे देश में कट्टरपंथ बढ़ता जा रहा है और भाईचारा खत्म होता जा रहा है। हम लोग राजनीतिक दल भी के लोग भी महामना जी के आदर्शों पर चलें और राष्ट्र को आगे रख करके हमेशा निर्णय लें, क्योंकि प्यार मोहब्बत खुलूस से ही देश चलता है, कट्टरपंथी से नहीं चलता। महामनी ने जो काम किए अपने आप में बहुत बड़ा एक आदर्श है। वो गंगा जमुनी तहजीब के प्रतीक थे, वो सर्वधर्म सम्भाव के प्रतीक थे, उनको लोग गलत रूप से पेश करते हैं। सच्चाई ये है कि महामना बहुत बड़े राष्ट्रभक्त थे और राष्ट्र उनके लिए पहले था, जाति और धर्म बाद में था।